नमस्कार साथियों, मैं कुमार सुभम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल सिन्हा क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैंने आपसे पहले कहा था कि सिन्हा क्लासेज एक एजुकेशनल चैनल है जिसमें ईश्वर और समस्त गुरुजनों के आशीर्वाद से जो किताबी ज्ञान मेरे पास है मैं उन्हें साझा करता रहूँगा। प्रयास करूँगा कि मैं हर छात्रों के लिए कुछ बेहतर कर पाऊँ। लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था कि किताबों को छोड़कर अगर कोई अन्य किताब जो पढ़ाई से संबंधित नहीं है, किसी कक्षा से, किसी क्लास से संबंधित नहीं है, किसी प्रोफेशनल स्टडीज से संबंधित नहीं है, उन ऐसे अगर किसी पुस्तकों को पढ़कर भी, चाहे वो मैगजीन हो, न्यूज़पेपर हो या कोई एपिक हो, अगर उन सब से भी मुझे कोई ज्ञान मिलता है, मेरे कुछ विचार बनते हैं, तो मैं प्रयास करूँगा कि उन विचारों को भी आपसे साझा कर सकूँ। और आज मैं वही करने इस वीडियो में आया हूँ आप सभी के साथ। साथियों, मुझे विश्वास है, मैं समझता हूँ अगर आप सिन्हा क्लासेस के यूट्यूब चैनल और कम्युनिटी से जुड़े हैं तो आपको ज़रूर पता चला होगा, आपने खेद भी व्यक्त किया होगा। जाहिर है, मेरे साथ जो दुर्भाग्यशाली घटना घटित हुई है, ईश्वर से कामना करता हूँ कि ऐसी दुर्भाग्यशाली घटना कभी किसी के साथ घटित ना हो। लेकिन दरअसल यह एक ऐसी सच्चाई है, एक ऐसा शाश्वत सत्य है जो सबके साथ होना है। सूनर और लेटर डज नॉट मैटर, मायने नहीं रखता, लेकिन होना सबके साथ है। मैं बात डेथ की कर रहा हूँ, मृत्यु की कर रहा हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, 8-9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, ऐसा बिल्कुल नहीं है और मैंने कभी ऐसा कहा भी नहीं है, आज भी नहीं कह रहा। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा कि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, खासकर जो नई नई चीज़ें होती हैं वो बहुत आकर्षित करती हैं मुझे। ऐसा लगता है जैसे मुझे कोई भी अगर नई चीज़ें पढ़ने के लिए दी जाए तो मैं बहुत आसानी से और सरलता से उन चीज़ों का अध्ययन कर सकता हूँ। और मैं प्रयास करता हूँ कि मैं चीज़ों को समझ भी पाऊँ, केवल पंक्तियाँ पढ़ना नहीं, मैं प्रयास करता हूँ कि मैं उन चीज़ों को समझ पाऊँ जो पुस्तक हमें बताना चाह रही है, हमें ज्ञान देना चाह रही है, उन्हें अर्जित कर सकूँ। जो दुर्भाग्यशाली घटना मेरे साथ घटित हुई, उस दौरान मैंने एक पवित्र पुस्तक पढ़ा। हिंदुइज्म में बहुत पवित्र माना जाता है उस पुस्तक को, गरुड़ पुराण नाम है उस पुस्तक का। सबसे पहले तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि गरुड़ पुराण जो है वो भगवान श्री विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के बीच का कॉन्वर्सेशन है, उनके बीच की बातचीत है। और उस बातचीत में डेथ की, आफ्टर लाइफ की, और आफ्टर लाइफ जो इंसान के जीवन के कर्म होते हैं उस आधार पर उनके अच्छे या बुरे का जो फैसला किया जाता है, जो उसे दंड दिया जाता है, उन सब की बातों की चर्चा बहुत डिटेल में की गई है। बहरहाल इतनी बड़ी चर्चा तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन और मैं अगर सच बताऊं तो मुझे पूरी किताब समझ में नहीं आई, मुझे बिल्कुल पूरी किताब समझ में नहीं आई। और मुझे लगता है कि उस पुस्तक में कुछ ऐसी बातें जरूर थी जो मुझे ये लगा कि बहुत प्रैक्टिकल लाइंस हैं, और अगर इंसान उसे अपने जीवन में फॉलो करे या उसका अनुसरण करे तो फायदा का पता नहीं, लेकिन घाटा उसे बिल्कुल नहीं होने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला है। तो आज उन्हीं चर्चाओं को मैं कर रहा हूँ आप सभी के साथ। एक अंतिम बात ये कह दूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल और केवल अपना ज्ञान और अपने विचार आपसे साझा कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य किसी को भी किसी के भी मन को ठेस पहुँचाना या किसी के भावना को ठेस पहुँचाना कतई नहीं है। उस पुस्तक में एक सबसे बड़ी बात जो मुझे सबसे पहले दिख गई वो ये दिखी कि पूरे पुस्तक को पढ़कर मुझे कहीं ऐसा नहीं लगा कि गरुड़ पुराण किसी की मृत्यु हो जाने के बाद ही पढ़ा जा सकता है। मुझे ऐसा लगा कि ये पुस्तक ऐसे भी लोग पढ़ सकते हैं, जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं, और ऐसी कोई बंदिश लगी नहीं कि जब कोई घटना हो, किसी की मृत्यु हो जाए, तभी इस पुस्तक को पढ़ा जाए। एक और बात जो मुझे ये लगा, वो पहले से भी मैं सुनता आ रहा हूँ बड़ों बुजुर्गों से, बहुत सारी किताबों से, कि आत्मा अजर अमर होती है। आपने भी सुना होगा, शास्त्रों में उल्लेख है, नैनम छिंदंती शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनं क्ले दयन तापो, न शोषयति मारुतः। आत्मा को न तो शस्त्र काट सकती है, न आग उसे जला सकती है, न तो जल उसे भिगो सकता है, और न वायु उसे सुखा सकती है। तो इस पुस्तक को पढ़कर मैं और ज़्यादा श्योर हो गया कि आत्मा जो है वो मरती नहीं है और केवल शरीर का परिवर्तन होता है। ये एक बात। एक और जो बड़ी बात मुझे ये लगी कि इंसान का कर्म जो वो अपने जीवन में कर्म करता है और जो वो दान देता है, दान देना मतलब बिना किसी लोभ, बिना किसी लालच के किसी व्यक्ति को जब कोई इंसान दान देता है, कुछ देता है, चाहे वो पैसे हो, सामग्री हो, कोई सामान हो, वही उसका अंतिम साथी है।
बहुत प्रैक्टिकल लाइन लगा मुझे, क्योंकि आप खुद भी सोचिए, इंसान अपने जीवन में कितना भी धन अर्जित कर ले, कितने भी संबंध बना ले, मेरे ख्याल से सुई की एक नोक के बराबर भी उसके साथ नहीं जाने वाला। उसके साथ जाएगा केवल और केवल उसका कर्म, उसका यश। आपने दोहे में भी सुना होगा, कबीरा धन रहे ना यौवन रहे, रहे छाँव ना घाम, कबीरा जग में जस रहे, कर दे किसी का काम। तो ये बहुत प्रैक्टिकल लाइन लगी और इस लाइन से मुझे ये सीख मिली कि इंसान को अपने जीवन में कर्म करते रहना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, कर्म बुरे नहीं होने चाहिए। और ये सीख मिली कि अगर कोई व्यक्ति सामर्थ्यवान है, अगर मैं सामर्थ्यवान हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही समय पर किसी सही व्यक्ति की सही वस्तु से मदद कर सकता हूँ या उसे दान दे सकता हूँ, तो मुझे करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। एक और सीख मिली इस पुस्तक से मुझे, वो ये कि इंसान का कर्म, इंसान का स्वभाव उत्कृष्ट होना चाहिए, बहुत अच्छे लेवल का होना चाहिए। उसे ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि उसके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या हो, द्वेष हो, लोभ हो, लालच हो, उसके मन में किसी के प्रति जहर हो, वो विष उगलता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि सच बता रहा हूँ कि उस पुस्तक में ऐसे लोगों के लिए आफ्टर लाइफ बहुत कठिन दंडों का प्रावधान है। खैर, उनकी चर्चा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा डिबेट होगा और बहुत ज्ञानी लोगों की आवश्यकता होगी, और मैं नहीं समझता कि इस वक्त मैं इतना ज्ञानी हूँ। कुल मिलाकर कहने का सार, इस पंक्ति का सार ये है कि अगर इंसान अपने जीवन में अच्छे कर्म करे और उसका स्वभाव अच्छा हो, वह मीठे स्वभाव का हो, दूसरों के दुखों में अगर वो दुखी नहीं है तो कम से कम खुश भी ना हो, इस तरह का स्वभाव हो, तो फिर इंसान का जीवन बेहतर है और मेरे ख्याल से आफ्टर लाइफ भी उस पुस्तक के आधार पर बेहतर ही है। एक अंतिम सीख जो मुझे इस पुस्तक से मिली वो ये कि मृत्यु शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और जितनी जल्दी हो इंसान को ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि आज नहीं तो कल अगर वो धरती पर आया है तो इस धरती से जाएगा भी। बस ये ध्यान रखना चाहिए, जो इन सब बातों का आउटकम है वो मैं अब कर रहा हूँ, कि बस इतना सा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो कोई कर्म करे तो प्रयास करे कि उससे कुछ बुरा ना हो, कुछ गलत ना हो। और मैं खुद भी ये कह रहा हूँ, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, कि इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, नन इज परफेक्ट अपॉन प्लैनेट अर्थ, धरती पर कोई भी परफेक्ट नहीं है, सबसे गलतियाँ होती हैं, सबसे भूल होती हैं। देखिए, बड़ों से भी गलतियाँ होती हैं, उनसे भी भूल होती हैं, ये एक अलग है कि एक अलग बात है कि अक्सर जब बड़ों से गलतियाँ होती हैं तो वो शायद बहुत सारे बड़े लोग जल्दी उसे स्वीकार नहीं पाते, लेकिन समय के साथ एक ना एक दिन उन्हें स्वीकारना होता है कि उनसे गलती हुई है, और अगर वो नहीं स्वीकारें तो फिर परिणाम मुझे नहीं पता, परिणाम फिर आप उस पुस्तक को जब पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो अगर किसी इंसान से गलती हो गई है तो मेरा मानना है कि उसे चाहिए कि वो अपनी गलती को स्वीकार करे और समय रहते प्रयास करे कि वो उन गलतियों को सुधार सके। अब डेथ, मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि कोई इंसान दिन भर इस एंग्जाइटी में रहे कि वो मर जाएगा, उसे कुछ हो जाएगा, ऐसा एकदम नहीं है। बस ये एक फैक्ट है जो हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए और इससे घबराना नहीं चाहिए। जब भी आप कोई अच्छा कर्म करें तो आप इससे घबराएं नहीं, हाँ जब बुरा करें तो डरे जरूर। तो ये सारी बातें थी जो मुझे लगी कि काफ़ी प्रैक्टिकल बातें लिखी गई हैं, और अगर इंसान अपने जीवन में इन सब का अनुसरण करे तो उसे फ़ायदा ज़रूर होगा। सिन्हा क्लासेस के एक अगले एजुकेशनल वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप आँख बंद कर सरासर मेरी इन बातों को मान लें। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको ये विचार अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि इन विचारों को आप अपने जीवन में अगर फॉलो करेंगे, अगर लागू करेंगे, तो आप अच्छा कर पाएंगे, आपके साथ कुछ बुरा गलत नहीं होगा, तो एक बार सोचे जरूर। जल्द मिलता हूँ। जय हिंद।